हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे मन करता है कि से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं। आइए हम बात करें, मन करता है कि तुमसे मिलने आऊं, मन करता है कि उसे खूब पीटूं, मन करता है कि उसे खूब गालियां दूं, मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं, मन करता है कि तुमसे बातें करूं, मन करता है कि तुम्हें चाटा मारूं। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे डेली लाइफ में अक्सर बोले और सुने जाते हैं। आइए आज इसे इंग्लिश में कैसे बोले, इसे बोलना और लिखना सीखते हैं। हमारे यहाँ सभी सेंटेंसेस में है मन करता है कि, तो मन करता है कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई फील लाइक। मन करता है कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं आई फील लाइक। चलिए इसे हम स्ट्रक्चर में कैसे प्रयोग करते हैं, तो इसे इंग्लिश में स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे आई फील लाइक, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी का प्रयोग, उसके बाद हम लिखते हैं अदर वर्ड्स अगर कोई है तो। चलिए इन्हें एक एक करके हम सीखते हैं। मन करता है कि तुमसे मिलने आओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक। ऐसे कैसे लिख देंगे, तुमसे मिलने आओ तो कमिंग टू मीट यू। तो इसका सेंटेंस हो गया कि मन करता है कि तुमसे मिलने आऊं, तो कैसे बोलेंगे आई फील लाइक कमिंग टू मीट यू। अगला सेंटेंस है मन करता है कि उसे खूब पीटूं, तो इसे इंग्लिश में लिखेंगे आई फील लाइक बीटिंग हिम, अगर पुरुष हैं तो हिम, और यदि कोई लेडी है तो हर। तो आई फील लाइक बीटिंग हिम और हर अलॉट। नेक्स्ट है मन करता है कि उसे खूब गालियां दूं। कई बार व्यक्ति गुस्सा होता है किसी बात को लेकर और वो कहता है कि मैं उसे खूब गालियां दूं, तो इसे अंग्रेजी में हम बोलेंगे आई फील लाइक, मेरा मन करता है कि मैं उसे काफी गालियां दूं, तो आई फील लाइक एब्यूजिंग हिम। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आई फील लाइक एब्यूजिंग हिम अलॉट, यानी मन तो करता है कि उसे खूब गालियां दूं, ढेर सारी गालियां दूं, जैसे कोई उपहार दे रहा हो उसे। मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं। मॉडर्न जनरेशन में खास तौर से एक बात सुनने को मिलती है कि हर कोई बच्चा किसी गलत कार्य में इंडल्ज हो जाता है और वो कहता है कि मेरा तो मन करता है कि पढ़ाई छोड़ दूं। तो ऐसी स्थिति में हम अंग्रेजी बनाएंगे इसकी आई फील लाइक ड्रॉपिंग स्टडीज तो अंग्रेजी होती है आई फील लाइक ड्रॉपिंग स्टडीज। मन करता है कि तुमसे खूब बातें करूं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम आई फील लाइक टॉकिंग विद यू अलॉट। मन करता है कि आपके साथ या तुमसे खूब बातें करूं। मन करता है कि तुम्हें चाटा मारूं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक स्लेपिंग यू। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई फील लाइक स्लेपिंग यू। मन करता है कि आज स्कूल नहीं जाऊं, यहां थोड़ा सेंटेंस में नेगेटिव दिया हुआ है, तो इसे इंग्लिश बनाने के लिए हम लिखेंगे या बोलेंगे आई फील लाइक नॉट गोइंग टू स्कूल
स्कूल टुडे। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई फील लाइक नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। और दोस्तों लास्ट सेंटेंस मैंने लिया है, मन करता है कि और वीडियोस देखूं। ये सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने आपके लिए छोड़ा है। कमेंट बॉक्स में यदि ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आया हो तो इसे आप ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसे लिखिएगा।